ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हजरात, उम्मीद करता हूँ मैं सारे खैर खैरी से खुश होंगे। मैं हूँ, मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी है, माई वाइफ, एंड पीछे मेरा दोस्त बैठा है मोबी। अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट यार। बेसिकली आज की जो वीडियो है वो मुझे बनानी थी बहुत अरसा पहले, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं बना सका, लेकिन कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त आया। यार दिस वीडियो इज़ अबाउट सी टर्टल्स। मसला ये है कि हमारे यहाँ एक ऐसा कल्चर है कि लोग बगैर रिसर्च किए, बगैर किसी बारे में जांच पड़ताल किए, वो पेट ले लेते हैं और बाद में उनसे ख्याल रखा नहीं जाता। जब वो मर जाते तो कहते हैं हाँ जी मर गया। इसी तरीके से सी टर्टल के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये जो बच्चे नज़र आ रहे हैं, वो बेसिकली एक ये इंडेंजर्ड स्पीशी है यार। हमारे यहाँ ये साहिल पर आते हैं, हॉक्स बे पर, और ये सैंडस्पिट पर यहाँ पर आते हैं, मिट्टी के अंदर ये बच्चे दे देते हैं, और जब बच्चे निकलते हैं तो ये जो हमारे पोचर्स जो होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और फिर मार्केट में आके बेच देते हैं। और आप जैसे, मुझ जैसे, खैर मैं अपने आप को तो काम नहीं करूँगा, बट कुछ लोग होते हैं जो जिनको नहीं पता होता, वो ठेले पे जो है ना एक्वेरियम में और छोटे से बॉल में वो तैर रहे होते हैं, क्यूट लग रहे होते हैं, लेकर आ जाते हैं और ये मीठे पानी में डाल के 3-4 दिन में ये मर जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है खारे पानी का ये जानवर है। सी वाटर का जो है ना ये जानवर है, और जो है क्या कहते हैं, सी वाटर का ये जानवर है, और आप इसको फ्रेश वाटर में डाल देते हैं और तो जाहिर सी बात है मरेगा। मूवी आप क्या कहना चाहेंगे? बस वही यही बात, क्या नाम है, ये सी वाटर होता है। खारा पानी जो होता है या जो मिनरल वाटर होता है वो अलग होता है, सी वाटर जो होता है वो अलग होता है। ये सी वाटर के, क्योंकि सी वाटर का पीएच और पीपीआर थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू खारा पानी या जो मिनरल वाटर बोलते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर इमरजेंसी में तो रख सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं चलता। इसको समुद्र का पानी चाहिए होता है और 46 सेकंड्स बाद इसको नया पानी चाहिए होता है, मींस ही उस जगह से मूव ऑन कर जाता है। इन स्टैग्नेंट या खड़े हुए पानी के अंदर ये नहीं रह सकता, तो इसलिए इनको हम एक्वेरियम्स में नहीं पाल सकते। फिर दूसरा, इनकी जो गिज़ा है उसमें मेजॉरिटी होती है जेली फिश और वीड्स होती हैं और प्लैंकटन्स वगैरह होते हैं, जब वो ये खाते हैं तो ऑब्वियसली हम वो प्रोवाइड नहीं कर सकते आर्टिफिशियल, और रखने की चीज़ नहीं है, आप रख नहीं सकते, तो बगैर लोग ले लेते हैं। मेरा यहाँ पे ये मानना है अगर हम जानवरों के बच्चे खरीदना बंद कर देना तो आधी एनिमल क्रुएल्टी खत्म हो जाएगी, चाहे वो चूजे हों, बकरी के बच्चे हों, तोते के बच्चे हों, या ये कछुए के बच्चे हों, एनिमल बेबीज खरीदना बंद। लेकिन यार मोबी, अगर देखा जाए तो ये तो देखो बचपन से, ये हमारे माँ बाप की गलती, अगर मैं गलत ना हूँ, सोसाइटी की गलती है क्योंकि देखो बचपन में अगर मैं भी बताऊँ तो मैं चूजों से ही शुरू हुआ था। कितने चूजे मारे मैंने? आई एम श्योर वैसे इतने ज्यादा तो नहीं मारे, बट मरते हैं वो चूजा। अगर 6 चूजे लाओगे ना तो उसमें से 1 चूजा बचेगा ऑब्वियसली। इसी वजह से मैंने ये बोला कि आप बेबी एनिमल्स का कल्चर खत्म कर दें। मैं ये कछुओं की रिस्पॉन्स से एक बात करूंगा, आजकल ट्रेंड में चले हैं बकरी के बच्चे और तोते के बच्चे, तो लोग वो ले लेते हैं, बेचने वाला बेच देता है। आप लोगों से पूछें, मेजोरिटियों के मर जाते हैं तो वो गुना मिलता है, तो कम और एक माँ से भी आप बच्चा अलग कर लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई देखो, अभी गाड़ी में हमारे पास 2 सी टर्टल्स हैं और ये जितने हफ्ते गुजरे हैं, मोबी का तो तकरीबन रोज का ही चक्कर लगा है यहाँ पे, क्योंकि इतने रेस्क्यू किए हैं। अच्छा, रेस्क्यू करने का भी एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि जी फलानी दुकान पे जो है सी टर्टल्स थे, या फलानी दुकान पे बंदर था, या चलो सी टर्टल्स की अगर मैं बात करूँ कि फलानी दुकान पे सी टर्टल्स मिल रहे हैं, हमने वहाँ से खरीदे और पानी में जाके रिलीज कर दिया, हमने जी रेस्क्यू कर लिया, इसको रेस्क्यू नहीं कहते, सही है। आपने जिससे पैसे देके खरीदा है वो उन्हीं पैसों से मजीद जाके मार्केट दो होलसेलर से ले लेगा और मजीद बेचना शुरू हो जाएगा। इधर मैं करेक्शन करता हूँ, जो पोचर होता है ना वो ये कछुए 100 रुपए, 50 रुपए और 150 रुपए का दुकानदार को देता है, और दुकानदार से आप तक जितने भी खरीदे, अभी आजकल तो मैंने देखा 4,000 का एक पीस लिया है, तो मिनिमम 1,000-1,500 का एक पीस बेचता है। तो दुकानदार के अगर वो लेट सपोज 1,500 के वो 15 भी खरीद ले, 100-100 रुपए का एक भी खरीद ले और उसका एक ही बिक जाए 4,000 का, तो उसकी पूरी दिहाड़ी निकल जाती है, उसके के पास मर भी जाए तो उसको कम नहीं होता। मेन प्रॉब्लम ये होती है पोचिंग की। तो भाई मैं समझता हूँ कि अगर कहीं को तुम देखो ना कि कोई ठेले पे, आजकल वो एक फैशन है कि ठेले के ऊपर गोल्ड फिश और इस तरीके की मछलियाँ जो है ना बेच रहे होते हो, साथ ही साथ में एक बॉल में जो है वो ये सी टर्टल्स भी होते हो बेच रहे हो, तो उनसे हाथ रख लेता हूँ, तो उनसे जो है ना खरीदो नहीं, उनको लगाओ कान के नीचे और निकालो उनसे वो लो, बोल मत लो, वो टर्टल्स लो और जाके या तो हमें दे दो भाई, हम जाके रिलीज कर देंगे, वरना अगर खुद ने सवाब कमाना है तो
तो दो जगह हैं जहाँ पे आप रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, वो जगह मूवी में बताएंगे आपको। अच्छा, इसका रीजन ये कि लोग मेजोरिटी कमेंट्स नीचे करते हैं कि आप ना क्लिफ्टन पे ही छोड़ दें। नहीं, क्लिफ्टन पे नहीं छोड़ना होता, इसको आप सेंडस्पिट पे ही जाके छोड़ें, जहाँ पे WWF और सिंध वाइल्ड लाइफ का हट है उधर ही छोड़ें। उसके रीजन मैं समझा दूं कि अगर आप क्लिफ्टन में छोड़ेंगे, क्लिफ्टन का पानी होता है गदला, इसको जब आप, क्योंकि ये हम नॉर्मल मीठे पानी में रख चुके होते हैं, जब इसको खारे पानी में शिफ्ट करते हैं तो इनको थोड़ी सी जलन होती है, बॉडी यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। तो क्लिफ्टन बीच पे जो है बर्ड्स होती हैं वो इनको उठा के ले जाएंगी, क्योंकि पानी के ऊपर तैरते हैं। और अगर आप दो दरिया या जहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए उधर छोड़ेंगे, तो वहाँ सारा नीचे जो है वो रॉकरी एरिया है, वहाँ पे क्रैब्स हैं, तो इनके मेन प्रीडेटर्स क्रैब्स हैं, वो क्रैब इनको खा जाएंगे। लेकिन अगर आप सेंसपिट की जगह पे छोड़ेंगे, जहाँ इनका हट है उसके आगे कोई भी रॉक नहीं है, उसके आगे दूर दूर तक परिंदे नहीं होते, तो इजीली पानी में चले जाते हैं। और नेचर ने तभी इनकी बर्थ प्लेस वही रखी है, वरना इतना बड़ा बीच है, हर जगह अंडे बच्चे करते हैं, लेकिन वो करते हैं अपने सर्टेन पॉइंट्स में ही, क्योंकि उनको जाने में प्रॉब्लम आसानी हो। और दूसरी बात, इनका रिलीजिंग टाइम मगरिब का टाइम और सुबह फजीर होने से पहले का टाइम होता है, क्योंकि ये चांद को देख के और लाइट को देख के उस सिमत में चलते हुए जाते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं। अगर आप दिन में छोड़ेंगे, वो सूरज रोशनी उससे इनको जाना बहुत प्रॉब्लम मुश्किल करेंगे, बार बार साहिल की तरफ आ जाएंगे। तो बेस्ट टाइम होता है इनका मगरिब के टाइम पे आप छोड़ें, जब थोड़ा अंधेरा होने लगे, और फजीर से पहले, ये तो टाइम इनके छोड़ने के होते हैं। और सेंसपिट पे ही ले जाके छोड़ें, बाकी कोई भी रीजन हो जाए, क्लिफ्टन और किसी मनोड़ा ब्रिज वगैरह में बिल्कुल भी ना छोड़ा जाए। तो भाई अभी जैसे मगरिब अभी हुई है, 7:30 बजे का वक्त है, तो आई थिंक इट्स परफेक्ट टाइम, हम लोग अभी सेंसपिट जा रहे हैं इन बच्चों को रिलीज करने के लिए। बताने का मकसद ये है कि वो माँ बाप जो ये वीडियो देख रहे हैं, या वो बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, देखो बच्चों, अच्छा, थोड़े स्कूल के टीचर्स अगर देख रहे हैं तो काइंडली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, कि भाई वो माँ बाप बच्चे और जो टीचर्स देख रही हैं, आपको स्कूल में क्लास में भी समझाना चाहिए, और जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को समझाएं, और जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को समझाएं कि देखो तुम अपने फन के लिए या खूबसूरत लग रहे हैं इन मासूम बच्चों को लेकर तो आ जाओगे, लेकिन बेटा ये बहुत बड़ा गुनाह होता है। ये वाइल्ड कॉट वाइल्ड में घूम रहा है, मतलब एक आजाद है, कोई चीज घूम रही है, उसको नेशनल हैबिटेट में उसको पकड़ कर लेकर आना और जस्ट बहुत बड़ा गुनाह होता है। ये अंडे से जस्ट निकले होते हैं, ना इन्होंने पानी टेस्ट चेक किया होता है, ना रेत चेक की होती है, निकले होते हैं और ये पोचर्स इनको उठा के ले आते हैं, तो इसका बहुत ख्याल करें। तो अभी हम जा रहे हैं सेंसपेट, अभी हम इसको रिलीज करेंगे, तो आप जाके ये देखिएगा कि कितनी खुशी से ये भागते हुए जाएंगे पानी के अंदर। सो यस, सब पानी की तरफ चलते हैं। तो भाई ये देखें, इस वक्त फुल हम लोग खतरनाक अंधेरे में आए, नहीं नहीं डोंट वरी। तो हम लोग भाई देखें, ये हमारा, देखें इंसानियत की खातिर हम कर रहे हैं, ठीक है, और आज हम कर रहे हैं, अल्लाह करे इससे इंस्पायर होके और दूसरे लोग भी करें, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये मूवी भाई सामने है, हाथ में वो है, ओ आई थिंक किसी की शादी हो रही है, बट चलो खैर भाई। अभी जो है मोबी जो है बताएगा इनको रिलीज करने का तरीका क्या है। जी भाई, अच्छा, अभी जैसे हमने इनको फ्रेश वाटर में रखा होता है या खारे पानी में रखा होता है, जो आप समुद्र पे लेकर आए, तो रेत से थोड़ा सा सुराख करें, पानी समुद्र का उसके अंदर जमा हो जाएगा, इसको 3-4 मिनट उसके अंदर भिगो दें, ये थोड़े से मानूस हो जाएंगे, उसके बाद आप इनको छोड़ दें, हम करके दिखा देते हैं। ये लहर जहाँ तक आएगी, यहाँ पे घड़े कर लेते ताकि पानी थोड़ा सा होल्ड हो जाए, सही है, ठीक है, ये पानी आ गया, ये घड़े में पानी आ गया, अभी अब इसको मैं रिलीज करने लगा। ये देखें भाई, ये भी हमने यहाँ रखा है ताकि थोड़ा ये गीले हो जाए, ये डिप कर दे हल्का सा, ये खुद ही थोड़ी देर के अंदर एक्टिव हो जाएंगे, जब इनको ये पानी लगेगा ये खुद ही सेट हो जाएंगे थोड़ी देर में। एक तो वो रहा, मुंह उठा लिया, वो जा रहा है चलता हुआ, आप देखिए वो चलता हुआ चला गया है। आप इसको पानी में छोड़ेंगे ना, तो लहरें इनको वापस लाके साहिल में फेंकती रहेंगी थोड़ी देर तक, तो परेशान नहीं होगा, ये इनका एक्सरसाइज होती है, कुदरत ने रखी होती है, 8-9 दफ़ा ऐसा होता है, जब ये खुद नेचुरली भी जा रहे होते हैं तब भी लहरें इनको वापस उठा के फेंकती है, थोड़ी देर वेट करिएगा, वो खुद ब खुद तैरते हुए खुद चले जाएंगे, और जब वो उसी वक्त जाएंगे जब उनमें इतनी पावर आ चुकी होगी कि वो इन लहरों को चीरते हुए पानी के अंदर जा सके। अगर मैं आपको सच बताऊं, मेरी इस वक्त मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मैं जैसे जिस तरीके से बच्चे हाथ पैर चलाते हुए पानी में गए, क्योंकि देखें रिस्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है, जब रिस्क की जिम्मेदारी मालिक ने ले ली ना, तो आप और मैं कोई नहीं होते यार, इनका खाना कौन देगा, ये वो, तो भैया अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें अल्लाह ध्यान रखेगा। तो भाई ये थी आज की वीडियो, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, तुम्हारा क्या इसमें ओपिनियन है, और खुदा
तुमने भी वही करना जो आज मैंने किया है। कहीं ये देखो किसी बंदे से प्यार से मांग लेना, प्यार से मांगे तो ठीक है, मना जोर जबरदस्ती कर करके उससे लेना और यहाँ पे आके रिलीज कर देना। अपना तो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देना। हाँ, और अगर ना दे और अगर ना मान रहा तो उसकी वीडियो बनाना सोशल मीडिया पे लगा देना और या सिंध वाइल्ड लाइफ को कम्प्लेन कर देना। मिलते अगली वीडियो में, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।